नमस्कार, ग्लोबल हराल्ड पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिश वर्मा और अब रुख करेंगे अभी तक की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से जुड़ी सभी तरह की तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। एफएलसी प्रथम और सेकंड रैंडमाइजेशन और मॉक पोल सहित सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान परिवार से सुबोध की पत्नी रजनी सिंह के साथ उनके बेटे व परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह के साथ प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग भी पहुंचे हैं। गौरतलब है कि परिजनों ने इंस्पेक्टर की हत्या में साजिश का आरोप लगाया है। सुबोध की मौत के बाद उनकी बहन ने आरोप लगाया था, चूंकि दादरी के अखलाक मामले की जांच सुबोध कर रहे थे, लिहाजा उनकी साजिशन हत्या हुई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद परिवार मामले की जांच को लेकर भी मांग कर सकता है। इसके अलावा सुबोध कुमार की बहन ने अपने भाई के नाम पर शहीद स्मारक बनाए जाने की भी मांग की है। आप अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाए हैं तो केंद्र सरकार आपको बड़ी राहत देने के मूड में है। गौरतलब है कि 2016 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन को मार्च 2019 तक रखा गया था। अब इस योजना की डेडलाइन नजदीक होने पर उम्मीद की जा रही है कि सरकार पीएमएवाई के तहत मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 2022 तक जारी रख सकती है। सरकार की तरफ से सब्सिडी की मियाद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाए हैं। बता दें कि अभी तक सरकार अलग अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि रिजल्ट देखने के साथ ही सफल कैंडिडेट्स शारीरिक परीक्षा का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि ऑफिशियल नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है कि वैकेंसी से 1.5 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे? इस सवाल का जवाब अभी पीसीसी चीफ कमलनाथ सिर्फ मुस्कान के साथ दे रहे हैं। ज्यादा पूछने पर वो कहते हैं कि कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। गौरतलब है कि कमलनाथ भोपाल में पार्टी प्रत्याशियों के ट्रेनिंग कार्यक्रम में जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के अपने अधिकार को लेकर अब काफी मुखर हो गया है। हाई कोर्ट के कुछ जजों की नियुक्ति के मामले में सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में सरकार को सिफारिशों के साथ यह भी लिखा गया कि इन्हें तेजी से निपटाया जाए। गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति की सिफारिशें 2016 से 2018 के बीच की है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 शीर्षस्थ जजों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस अर्जन सिकरी के कॉलेजियम ने अपनी ताजा सिफारिशों में इसी साल अप्रैल और अगस्त में भेजी सिफारिशों का जिक्र करते हुए सरकार से उनकी नियुक्ति जल्द करने का आग्रह किया है। पंजाब के फिरोजपुर के ममदोट में भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे गांव घोड़ाचक में पंजाब पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह सर्च ऑपरेशन जंगली इलाके में चलाया जा रहा है। यह इलाका बॉर्डर की सीमा से सटा है और कई एकड़ में फैला हुआ है। गौरतलब है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से लगातार जम्मू कश्मीरी आतंकवादी जाकिर मूसा के पंजाब में छिपे होने की सूचनाएं मिल रही थी। हालांकि पंजाब पुलिस की ओर से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। इंदौर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। सुखलिया चौराहे पर बुधवार रात को ट्रक ने दुपहिया सवार मां बेटी को टक्कर मार दी, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। जिस दुपहिया वाहन से दोनों जा रहे थे उसे पिता ने बेटी की शादी के लिए खरीदा था। हीरानगर टीआई राजीव सिंह भदौरिया के मुताबिक हादसे में न्यू हीरानगर निवासी कल्पना पति शरद घाटे की मौत हो गई, जबकि बेटी रुचिता घायल है। रुचिता मां को लेकर शादी समारोह में जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर मोहन को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शाही अंदाज में की गई रिसेप्शन का एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसमें चल रहे रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका निक अपनी शादी के रिसेप्शन में एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर बेहद अच्छे नजर आ रहे हैं। प्रियंका क्रीम कलर के लहंगे में काफी खूबसूरत दिखी, तो वहीं निक जोनस ब्लू सूट में काफी हैंडसम लग रहे हैं।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित परिसर में मौजूद ढांचे को गिरा दिया गया था, जिसके बाद हर वर्ष दोनों समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरागत रूप से विवादित ढांचे की बरसी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर सचिव देवेंद्र आंजना ने बताया कि यह दिन हमारे लिए विजय उत्सव के रूप में है और हर वर्ष 6 दिसंबर को हम शौर्य दिवस मनाते रहे हैं। इस मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जी की तस्वीर के समक्ष जयकारे व भजन गाकर इस दिन को मनाया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या में श्री राम जी टेंट के मंदिर में रह रहे हैं, जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण किया जाए। आज हम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं कि वर्षों से जो हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे हिंदू धर्म के आदर्श श्री राम मंदिर के लिए मुद्दा चलता आ रहा है, आज भी वर्षों तक वो टेंट के मंदिर में या टेंट की एक जो झोपड़ी बनी है उसमें रह रहे हैं। हिंदू समाज 100 करोड़ हिंदू समाज के आस्था का जो केंद्र है वो टेंट में क्यों है? जितने भी राजनीतिक अभी हमारे लोग राम मंदिर पर रोटियां सेक रहे हैं वो रोटियां सेकना बंद करें और जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण करें, वरना हिंदू समाज विकल्प लाके बहुत ही जल्द राम मंदिर निर्माण करेगा। वो शासन चाहे या ना चाहे, लेकिन राम मंदिर का जल्द से जल्द दिसंबर जनवरी के पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन करने को तैयार है। प्रदेश की आर्थिक और व्यवसायिक राजधानी इंदौर का संस्थापक परिवार एक बार फिर विवादों में है। परिवार के सदस्य पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। दरअसल इंदौर के रहने वाले अर्पित जैन ने जिला न्यायालय में यह परिवाद दायर किया था। परिवाद में बताया गया था कि फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमींदार परिवार के बड़े बेटे श्रीकांत जमींदार ने वेयरहाउस रोड की जमीन बेचने का सौदा लगभग 85,95,000 में किया था। बयाने के तौर पर लगभग 11 लाख रुपए फरियादी श्रीकांत जमींदार को दे चुके थे। फर्जीवाड़े की जानकारी लगने पर फरियादी ने श्रीकांत जमींदार से बयाने की राशि वापस मांगी, लेकिन श्रीकांत जमींदार ने बयाने की राशि वापस नहीं की, जिस पर फरियादी ने कोर्ट की शरण ली। परिवादी के वकील के मुताबिक अभियुक्त श्रीकांत जमींदार पर धोखाधड़ी और जालसाजी के अन्य मामले भी विचाराधीन है। परिवादी अर्पित जैन द्वारा दायर परिवाद पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने श्रीकांत जमींदार के खिलाफ धारा 420, 468, 471 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। इस शहर का एक फाउंडर फैमिली है, जिन इंदौर की स्थापना बड़ा रावला जमींदार फैमिली द्वारा की गई थी। उसी फैमिली में अभी जो सबसे बड़े हैं श्रीकांत जमींदार, तो श्रीकांत जमींदार के द्वारा मेरे क्लाइंट के साथ में चीटिंग भी की गई है, फोर्जरी भी की गई है, ऐसा कोर्ट ने माना है। उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अर्पित जैन साहब जो मेरे क्लाइंट हैं इनके द्वारा की जा रही है। ये जमीन जो है 1 करोड़ का ही सौदा था, पर जो पेपर्स पे जो तय हुआ था वो था 82,95,551 रुपये। दोनों ही बातें सही है, वर्बली 1 करोड़ रुपये की बात हुई थी कि 1 करोड़ की जमीन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन पेपर पे जब सौदा हुआ था तो वो 82,95,551 रुपये का था। वहीं इस मामले में जमींदार परिवार के छोटे बेटे प्रथमेश जमींदार का कहना है कि श्रीकांत जमींदार ने उनके पिता स्वर्गीय निहाल करण जमींदार के नाम पर दर्ज जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। यही नहीं, इंदौर के संस्थापक परिवार की प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी कूट रचना से धूमिल की है। यही वजह है कि श्रीकांत जमींदार की माँ और पूरा परिवार उनके खिलाफ एकजुट है। उस व्यक्ति ने उनके सिग्नेचर्स फोर्ज करके और जो नकली और कूट रचित कागज बनाए और परिवार के साथ साथ इन लोगों को भी धोखे में रखा, धोखा दिया, उसके आधार पर धनार्जन किया और वो धनार्जन की जो आय हुई वो उन्होंने खुद अपने तक ही सीमित रखी। उसके बाद
बाद में ना वो किसी प्रकार का मुझे रजिस्ट्री कर पाए, ना मुझे पजेशन दे पाए, और किसी भी प्रकार का हर बार टाल मटोल करना। और ये सारी जिला प्रशासन द्वारा शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निशांत वरवड़े ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण 19 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी अपराधियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर कर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खंडवा और खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। राज्य शासन द्वारा कक्षा 6 व 9 के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें दिए जाने की योजना है। इस वर्ष शिक्षा सत्र आरंभ होने के 6 माह बाद साइकिलों का वितरण किया जाना है, जबकि साइकिलें 3 माह पूर्व ही बनकर तैयार रखी थी। कक्षा 6 व 9 के विद्यार्थियों को लगभग 900 साइकिलें वितरित की जानी है। स्थानीय अधिकारी साइकिल वितरण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चुनाव के पहले आदर्श आचार संहिता का पालन करने की बात कह रहे थे, अब चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी के प्रति अग्रसर नजर नहीं आ रहा है। देपालपुर खंड स्रोत समन्वय श्रवण शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि 11 दिसंबर मतगणना के दूसरे दिन छात्रों को साइकिल वितरण करना चाहिए, जबकि शिक्षा विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि 10 दिसंबर तक 6 व 9 के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्य संपूर्ण संपन्न करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देपालपुर खंड स्रोत समन्वय श्रवण शर्मा उच्च अधिकारियों का निर्देश का पालन करते हैं कि शिक्षा विभाग के लिखित आदेश में 10 दिसंबर तक साइकिल वितरित करने का कार्य संपूर्ण संपन्न करते हैं। नहीं, आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी जो निर्देश हमको मिले हैं जिले स्तर से, वो ये मिले हैं कि आचार संहिता मतलब जैसे ही मतगणना समाप्त हो तभी वितरित की जाए। बटी है कहीं भी नहीं बटी है, आज मेरे नॉलेज में नहीं है कि बटी है कहीं। उज्जैन के बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। उज्जैन में अज्ञात बदमाशों ने बुधवार देर रात पुलिस जवान पर हमला कर उसके कब्जे से AK-47 और 20 राउंड कारतूस लूट लिए, जिसके बाद आला अधिकारियों को घटना की जानकारी लगते ही बदमाशों की धरपकड़ हेतु पूरे उज्जैन जिले में पुलिस ने नाकाबंदी की, परंतु पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 62वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज उनके अनुयायियों ने भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प लिया और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर समता सैनिक दल के सैकड़ों सैनिकों ने इंदौर में शिवाजी वाटिका से बाबा साहब की प्रतिमा तक पथ संचलन निकाला। पथ संचलन में सभी सैनिक जय भीम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर समता सैनिकों ने बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सारी जीवन इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लाचार मजलूम एवं सर्वजन समाज के हित में काम किया और इस देश के वंचित लोगों को जिनके साथ में घोर अपमान होता था, जानवरों से ज़्यादा बदतर अपमान होता था, उन्हें इंसान और इंसानियत की जिंदगी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए आज बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में, और हम सब उन्हें आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके जो कार हैं उनको स्मरण करने के लिए हम सबको ताकत दे, साहस दे, हिम्मत दे कि हम ये वंचित और शोषित पीड़ित समाज के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कार्य किए थे उनके अधूरे कार्यों को हम कुछ हद तक उनका पूरा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर चौंकाने वाला बयान दिया था। अब मौजूदा सीजेआई रंजन गोगोई ने भी शीर्ष अदालत की विश्वसनीयता पर अपनी राय रखी है। गौरतलब है कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सीजेआई गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता मीडिया और अखबारों के रिपोर्ट से नहीं होती, शीर्ष अदालत की विश्वसनीयता यहां काम करने वाले लोगों से तय होती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सरकार में वापसी का भरोसा है। यही वजह है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ मिलकर कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में बैठक कर इस पर काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करना है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल हेराल्ड। नमस्कार।